नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। बात करेंगे रेवाड़ी शहर की, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सौरभ शर्मा आज आपको पूरा रेवाड़ी के बारे में अच्छी तरह डिटेल से बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि इसमें हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो रेवाड़ी में कल 93 नए केस मिले, जिनमें से रेवाड़ी शहर में 62, धारवेड़ा में 18, बावलजाडरा में 2-2, गामड़ी रामपुरा लोधाना में 1-1, जाटूसाना कोसली सहबाजपुर में 1-1, खालसा सुरेली में 1-1 केस। इसके बाद अच्छी खबर ये कि रेवाड़ी में कल 53 लोग ठीक होकर अपने घर वापस भी गए, जिनमें से रेवाड़ी शहर में 14, कोसली भांडोर में 4-4, धारवेड़ा मोदीपुर में 3-3, नांगल पठानी बावल ओलांत में 2-2, बिसोवा गोकलगढ़ में 2-2 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। इसी के साथ बूढ़पुर दड़ोली धारण में 1-1, लूला अहिर मांडिया कला नठेड़ा में 1-1, नेहरूगढ़ परानपुरा करनावास में 1-1, संगवाड़ी गोठड़ा जीवड़ा में 1-1 केस, जैनाबाद बव्वा फतेहपुरी में भी 1-1 केस ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ, रेवाड़ी में टोटल केस हो चुके हैं 7600, जिनमें से 6889 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं, 37 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देखिए, बुरी खबर ये है रेवाड़ी के लिए कि अब जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों में 3 मौतें हो चुकी हैं, जो कि इससे पहले काफ़ी दिनों से कोई मौत नहीं हुई थी, जो अच्छी खबर थी। लेकिन अब जो ये 3 मौतें हुई, इससे एकदम हड़कंप मच गए स्वास्थ्य विभाग में। और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये 3 मौतें हुई है, ये सारे तीनों के तीनों बुजुर्ग थे। इसके बाद बात करूँ एक्टिव केस की, तो 674 एक्टिव केस है, मतलब 674 लोगों का इलाज चल रहा है अभी रेवाड़ी का। इसके बाद हम रेवाड़ी की और बड़ी खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है बच्चों के लिए, रेवाड़ी की बड़ी खबर, रेवाड़ी में खेलों का आयोजन। देखिए, हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में रेवाड़ी के अंदर खेल महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर काफ़ी गेम है। और मैं आपको बता दूं, जैसे हॉकी हो गया, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ये सारे गेम हैं और इन सब का आयोजन कराया जाएगा। और ये आप पूरा डिटेल में देख भी सकते हैं, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा आपको। आपको क्या करना है कि आपको अगर इनमें हिस्सा भी लेना है तो आप ले सकते हैं। और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस वाले दिन आप सभी को अपने आधार कार्ड लेके जाने, जिसने भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, कुश्ती भी है इसके अंदर, बैडमिंटन भी है, और महिला और पुरुष दोनों के लिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हॉकी हो गया, हैंडबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बॉक्सिंग, सब कुछ, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ज़्यादातर जो गेम है वो रेवाड़ी के राबतुलाराम स्टेडियम के अंदर होंगे, और जो गेम है वो उनका भी पूरा शेड्यूल दे रखा है। इसके बाद सड़क पर बिखरता कूड़ा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो ये ट्रक है, जो भी मतलब कूड़ा लेके जाते हैं, ये ऊपर से ढके हुए नहीं होते और बिना ढके ही रवाना हो जाते हैं अपनी जगह से। और जब डंपिंग स्टेशन, मतलब जहाँ पर कूड़ा डालना होता है, वहाँ डालने से पहले सड़क पर बहुत मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा बिखरता हुआ जाता है, क्योंकि ओवरलोड होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है इनके अंदर, और ओवरलोड भी हम नहीं कह सकते। देखिए, मेन दिक्कत क्या है कि ऊपर से ढके हुए नहीं होते, पन्नी होती है और जैसे कई ऐसी कागज होते हैं, वो उड़ के नीचे सड़क पर गिर जाते हैं, इसके कारण सड़क पर काफ़ी कूड़ा करकट बिखर जाता है। और इसके बाद है अगली खबर है कि कॉलेजों में पहली ओपन काउंसलिंग के बाद भी सीट खाली। आप फोटो देखिए, देखिए ऐसा कुछ हाल चल रहा है कि पहली ओपन मेरिट लिस्ट लग चुकी है, उसके बाद भी सीटें काफ़ी खाली पड़ी है। इसके बाद देखिए, डीसी यशिंदर सिंह जी ने ये कह दिया है कि अब कोरोना के रोजाना 2000 टेस्ट होंगे रेवाड़ी के अंदर। देखिए, मैं आपको मीटिंग का दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा आपको साफ नहीं दिखेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये मीटिंग हुई थी जिसके अंदर डीसी ने ये कहा कि अब रोजाना 2000 कोरोना टेस्ट करने ही होंगे। देखिए, इसके बाद रेवाड़ी में CIA की जड़ में पनप रहा अपराध। और देखिए, आपने थंबनेल भी देखा होगा कि रेवाड़ी में इस इलाके में खतरा बढ़ा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को पता है पुराने शहर के जो रिहायशी क्षेत्र पुरानी तहसील के पास एक CI थाना बना हुआ है, इससे कुछ कदम ही दूर जगन गेट पुलिस चौकी भी है। सर्कुलर रोड से बाजार के अंदर जाने का यह मुख्य रास्ता भी माना जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है यहाँ। देखिए, यहाँ जैसे ही शाम होती है, वहाँ पर मतलब चिकन की और ये दारू दूरू लोग बहुत ज़्यादा पीने लग जाते हैं, और लोगों का भी आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब जैसे लोग भी आते जाते, आवागमन बहुत रहता है। इससे महिलाएं को क्या है, महिलाएं ये कहती है कि यहाँ पर लोग शराब पीते हैं और ये नॉन वेज वगैरह जो भी खाते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपराध का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु जैसे हनुमान मंदिर जा रहे हैं, कोई दुर्गा मंदिर जा रहे हैं और बाजार में जा रहे हैं, सारे लोग यहीं से ही जाते हैं, और रात को यहाँ पर बहुत बुरा हाल रहता है, अपराध का मतलब डर सताता रहता है। तो मैंने ये वीडियो में इसलिए बताया कि आप लोग भी सतर्क रहे यहाँ पर जब जाएँ। इसके बाद मैं आपको बता दूँ,
कि और जो शराब पीते हैं लोग, मतलब जिनकी शराब की दुकान है, वो भी लोग उनको पूरी तरह सहयोग करते हैं और उनके मतलब अलग से कक्ष बना रखा है उनके कमरा, जहाँ पर वो आराम से शराब पी सकते हैं और कोई भी उनको डर नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कभी भी इस इलाके में जाए या कहीं भी जाए, बहुत संभल के रहें, ठीक है। देखिए, हम रेवाड़ी की अपडेट, ये जो रेवाड़ी की न्यूज़ हम बताते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ भाई हमें व्यू चाहिए, हमें ये कि आप लोग सतर्क रहें, इसीलिए हम कहते हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेवाड़ी की सारी अपडेट तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपको काफ़ी अच्छी सीख चीज़ सीखने की मिलेगी, अपना बचाव का भी। इसके बाद आखिरी खबर कि अब बाजरे की खरीदारी, देखिए अब ये बारी बाजरे की खरीदारी, हम इसकी जगह कोई और न्यूज़ भी बता सकते, लेकिन हम वही न्यूज़ सोच के बताते जो आप लोगों को जो फ़ायदा हो। अब देखिए, किसानों को फ़ायदा होगा बाजरे की खरीद रविवार को भी। अब क्या कहा है कि जो हमारे, मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्री हैं रेवाड़ी मंत्री ने ये कहा है कि अब जो रेवाड़ी की में जो बाजरे की खरीद होती थी वो रविवार को भी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, देखिए यहाँ पर ये मंत्री साहब खड़े हैं और कई लोग भी खड़े हैं, इन्होंने पहले बाजरे को देखा और उसके बाद ये कहा कि अब रविवार को भी बाजरे की खरीद होगी। तो रेवाड़ी की कोई भी न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी हेल्प से काफ़ी लोगों का बचाव हो और काफ़ी लोगों को पता चले सब कुछ, ठीक है। तो आज की अपडेट यहीं तक, हमारे साथ जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।